चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी सी मदिरा। एक तो तुम भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो, और जब तुमको पता था कि लड़की चांदी के दीवार के पीछे, तुम भिखमंगे हो, तुम कैसे सोच सकते हो। अमीर तो चांदों के बीच में ही रहता है, तो अमीर ये गाना कभी नहीं गाता, गरीब गाएगा, क्योंकि वो उसकी सोच के बाहर है ना। हाँ, और 22 साल की उम्र से, 25 साल की उम्र से नीचे प्रेम नहीं करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो एक उम्र से पहले नहीं सोच, कोई गाली दे देगा, कोई मोहब्बत कर लेगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ऐसा ही नहीं, नफरत मोहब्बत उस पर भी अलर्ट रहना है। इसका मतलब प्यार करना बुरा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में मत करो, और अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। तुम्हें अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो, उलझने से। पूरी दुनिया तुम्हें उलझाना चाहती है, अगर तुम योग्य हो तो। अगर तुम मरे हुए हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछना चाहता। अकेले सिर्फ जुनून के बल पे चला जा सकता है, ऐसे साथ में पढ़ाई करो यार। एक घंटे पहले आ जाओ क्लास, डिवाइड कर लो आपस में, लेकिन तुम लोगों से यह सब हो नहीं पाएगा। तुम आपस में रायता फैलाना शुरू कर दोगे, कोई प्रपोज करने लगेगा, कोई लेटर देने लगेगा, क्या करोगे जवानी में। मेरे पास लोग आते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही। हमने कहा हमारी वाली से कर लो। कौन सी वाली से करो, जो इंडिया में उनसे करोगे, बाहर वाली से करोगे? अरे आपके अंदर कोई इमोशन नहीं, इतना जूता से मारेंगे ना, इमोशन का नाम लोगे तो? भिखमंगों का इमोशन होता है? तुम शक्ति तो पैदा करो, चाहे तुम स्त्री हो चाहे पुरुष, तुमको कोई छोड़कर नहीं भागेगा। जब युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो द्रोणाचार्य वाला हाल हो जाएगा। कभी कभी आप बहुत लकी होते हैं, आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, आपको छेड़ते नहीं, आपको परेशान नहीं करते, आपका दोस्त अमेरिका में नौकरी पा गया, लेकिन आपको फोन करके कहता है कि यार नरक है जिंदगी भैया, कितना अच्छा दोस्त है आपका वो, यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इंडिया में रहकर तैयारी कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया। तो इनडायरेक्टली तुम्हें मोटिवेट ही तो कर रहा है। इसलिए माँ बाप तुम्हें बहुत सारी चीजों में राय देते हैं, माँ बाप से राय लिया करो कुछ मुद्दों पे। माँ बाप से जैसे किसी से दोस्ती हो जाए तो उसको अपने माँ बाप से जरूर मिलाओ, उनके पास अनुभव की बहुत अच्छी आंखें होती हैं, और वो तुम्हारे माँ बाप से ऑलो सीटी स्कैन की तरह है, 99% केस में फेल नहीं करेंगे, जो बता देंगे वही सच होगा। बाकी तीन काम करो, मतलब अगर तुम तीन काम नहीं कर रहे हो तो अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। जिम जाओ, अंदर जाओ, लाइब्रेरी जाओ। एक आदमी ने अपने नौकर से पूछा कि प्रेम करना मेहनत है कि मस्ती है? कहा सरकार मस्ती ही होगी, मेहनत होता तो आप लोग हम ही से कराते। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो जाने दो, ब्रेकअप हो जाए जाने दो, भगाओ। जो लोग तुम्हारे एम्बिशन में तुम्हारे साथ नहीं, उनको साथ में रख के क्या करोगे, भगा दो तुम। अब कोई भी आदमी तुम्हारे गोल में बाधक है तो तुरंत हटा दो, तो वो गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बाधक नहीं है तो रहने दो।